सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोनी है। मैं तेलंगाना मॉडल स्कूल मिर्तोडी में हिंदी अध्यापिका के तौर पर कार्यरत हूँ। आज हम सातवीं कक्षा से हमारे त्यौहार बतकम्मा नामक पाठ पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों, हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में शारदा और रशीदा दोनों सहेलियां हैं। वे एक ही पाठशाला में पढ़ती है। दशहरे की छुट्टियों के बाद मिलती है, बातचीत करती हुई चलती है। कैसी हो शारदा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुमने दशहरा कैसे मनाया? बहुत अच्छी तरह। दशहरा त्योहार कहाँ कहाँ मनाया जाता है? दशहरा त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। इन दिनों जगह जगह पर गौरी पूजा की जाती है। तेलंगाना राज्य में गौरी पूजा किस त्योहार के रूप में मनाते हैं? हमारे तेलंगाना राज्य में गौरी पूजा के रूप में बतकम्मा त्योहार मनाते हैं। हाँ, मुझे पता है। हमारे पड़ोस में भी बतकम्मा खेलते हैं। तरह तरह के फूलों से सजी बतकम्मा सुंदर लगती है। सही कहा तुमने। महिलाएं और लड़कियां सामूहिक रूप से गीत गाती हुई बतकम्मा के चारों ओर घूमती है। बतकम्मा को गौरी माँ का रूप मानती है। एक बार बतकम्मा की दो पंक्तियां गाकर सुनाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो सुनो। बतकम्मा बतकम्मा वियालो, बंगारु गौरम्मा वियालो, మా ఊరుకొచ్చింది వెయ్యాలో, మా ఇంటికొచ్చింది వెయ్యాలో। వా, బహుత్ అచ్చా గీత్ హే। బతుకమ్మ జైసే లోక్ ఉత్సవ దేశ్ కీ శోభా బడాతే హే। హా శారదా, తుమ్ టీక్ కహతీ హో, అచ్చా మే చల్తీ హూ। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया। बच्चों, पाठ के अंतर्गत आए कठिन शब्दों के अर्थ अभी हम जानेंगे। पहला शब्द है शोभा। इसका अर्थ है शान, कांति। दूसरा शब्द है सुंदर। इसका अर्थ है खूबसूरत। तीसरा शब्द है सामूहिक। इसका अर्थ है सार्वजनिक। चौथा शब्द है त्यौहार। इसका अर्थ है पर्व, उत्सव। ठीक है। पांचवा शब्द है पड़ोस। इसका अर्थ है प्रतिवासी। सो बच्चे, आप लोग पाठ के अंतर्गत आए शब्दार्थों को अभी जान चुके हैं। इसके बाद में हम विलोम शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द में पहला शब्द है सुंदर। सुंदर का विलोम शब्द है असुंदर और कुरूप। दूसरा शब्द है अच्छा। अच्छा का विलोम शब्द है बुरा। तीसरा शब्द है पूरा। इसका विलोम शब्द है आधा और अधूरा। आखिरी शब्द लड़की। लड़की शब्द का विलोम शब्द है लड़का। ठीक है बच्चों, आप लोगों को विलोम शब्द समझ में आ गए ना। अभी हम प्रश्नोत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले प्रश्नोत्तर में सुनो बोलो प्रश्न देखेंगे। सुनो बोलो प्रश्न में से पहला प्रश्न है, त्यौहार क्यों मनाते हैं? हाँ, त्यौहार क्यों मनाते हैं बच्चों? ठीक है, अभी हम उसको पढ़ेंगे। त्यौहार क्यों मनाते हैं? त्यौहार हमें मानवता का संदेश देते हैं। लोग अपने रोज़मर्रा या एक ही दैनिक कार्यों से ऊब जाते हैं। ये त्यौहार जीवन में नई आशा, उत्साह और उमंग भरते हैं और हमारे आचार और सांप्रदाय से परिचित कराते हैं। तो अभी आप लोग समझ गए बच्चों, हम त्यौहार क्यों मनाते हैं? क्योंकि हर दिन के जो कार्यों से हम ऊब जाते हैं, इसलिए हमारे में उत्साह और उमंग बढ़ाने के लिए हम त्यौहार मनाते हैं। तो समझ में आया पहला प्रश्न का उत्तर? ठीक है, हम अभी दूसरे प्रश्न के उत्तर जानेंगे। सो दूसरा प्रश्न क्या है? हाँ, महिलाओं व लड़कियों द्वारा मनाए जाने वाले
कुछ विशेष त्योहारों के नाम बताइए। हाँ ठीक है बच्चों, बोलो आपको पता है महिलाओं और लड़कियां क्या क्या त्योहार मनाते हैं? हाँ ठीक है, अभी इस उत्तर को हम एक वाक्य क्रम की तरह जानेंगे। बतुकम्मा, अट्ल तद्दी, नागुल चविति, रक्षाबंधन, बोनालु, गौरी पूजा, कार्तिक पौर्णमी आदि त्यौहार महिलाओं व लड़कियों द्वारा मनाए जाते हैं। देखा महिला और लड़कियां कितने त्यौहार मनाते हैं, समझ में आया सभी को? बहुत खूब। ठीक है, अभी आपको सुनो बोलो प्रश्न और उत्तर समझ में आ गए तो हम आगे पढ़ो के आगे बढ़ेंगे। इसमें पाठ के अंतर्गत आए संवाद जो रशीदा और शारदा के बीच में हुआ संवाद को किसने क्या कहा ये देखेंगे। इसमें से जो पहला वाक्य है वह बहुत अच्छा गीत है, ये किसने कहा बच्चों? हाँ बहुत खूब, ये जो संवाद है ये रशीदा के द्वारा कहा गया है। अभी दूसरा वाक्य देखते हैं। ठीक है, हाँ हाँ क्यों नहीं, लो सुनो, बोलो बच्चों ये किसने कहा? बहुत खूब, ये शारदा ने कहा। अभी जो आखिरी संवाद और वाक्य है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सुनो, हमारे पड़ोस में बतुकम्मा खेलते हैं। अभी बोलो बच्चों ये संवाद किसने कहा, रशीदा ने या शारदा ने? हाँ बहुत खूब, ये वाक्य रशीदा ने कहा है। ठीक है, आप कभी आप एक बार पाठ पढ़ो और अब वो पाठ में आए संवादों को भी आप ठीक तरह से जानेंगे। तो ये समझ में आ गया ना आप सभी लोगों को? बहुत खूब। अभी हम लिखो प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सो लिखो प्रश्नों में से पहला जो प्रश्न है, बतकम्मा उत्सव कैसे मनाया जाता है? बोलो बच्चों बतकम्मा उत्सव कैसे मनाया जाता है? आपने रशीदा और शारदा के बीच में संवाद में बतकम्मा के बारे में आपने अच्छी तरीके से समझा था ना, उसी को हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, हम उत्तर देखते हैं इस प्रश्न का। तेलंगाना प्रांत की औरतें और लड़कियाँ गौरी पूजा के रूप में बतकम्मा उत्सव मनाती हैं। रंग बिरंगे फूलों से बतकम्मा को सजाती है। बतकम्मा रखे थाली के गोल सामूहिक रूप से घूमती है और गाती है। अभी समझ में आ गया आपको किस तरह से इसका इस प्रश्न का उत्तर लिखना है? हाँ बहुत खूब, इसी तरीके से आपको एक वाक्यों में रखकर उस उत्तर को लिखना है। ठीक है, अभी आपको सब समझ में आ गए, शब्दार्थ हो गए, विलोम शब्द हो गए और प्रश्नों के उत्तर भी आपने समझे है। तो आपको घर के लिए मैं आपको एक गृह कार्य का प्रश्न दूंगी। सो गृह कार्य के अंतर्गत आपको लिखो में आए दूसरे प्रश्न का उत्तर अपने गृह कार्य पुस्तिका में लिखना है। तो उत्तर प्रश्न क्या है, आपके घर में कौन सा उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है? तो प्रश्न को और एक बार ठीक तरीके से सुनिए, आपके घर में कौन सा उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है? मतलब आपके घर में मनाया जाने वाला कुछ किसी भी त्यौहार के बारे में आप वहाँ इस प्रश्न में प्रश्न के उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। सो इसके बाद में शब्द भंडार के अंतर्गत आए एक तालिका है, उस तालिका में कई त्योहारों के नाम दिए गए हैं। सो आपको उस त्योहारों के नामों को जानकर उनको आप बाजू में दिए गए हैं जो रेखाओं में लिखना है। आशा करती हूँ बच्चों आपको पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया और पाठ के बाद में आए प्रश्नोत्तर और भाषा की बात को भी आपने अच्छी तरीके से समझे है। पाठ को एक बार पढ़िए और दिए गए गृह कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखे। आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ पसंद आएगा और आगे चलकर हम दूसरी पाठ के लिए ज़रूर मिलेंगे। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।